हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लौकी केक। इसके लिए हम लौकी को छील के कद्दूकस कर लेंगे। पूरी लौकी कद्दूकस हो गई, इसको हमने ये बीज को निकाल दिया। अब इन्हें हम हाथों से खूब अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब इन्हें हम कढ़ाही में डाल के 10 मिनट के लिए इन्हें ढक कर पकाएंगे। जब तक हमारी लौकी गल रही है, हम केक की क्रीम तैयार कर लेंगे। क्रीम बनाने के लिए मैंने लिया मावा, इसे हम पहले कढ़ाही में भून लेंगे। ये भून गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। देखिए, हमारा मावा ठंडा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर, बारीक कटा हुआ काजू, थोड़ा सा नारियल पाउडर। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारी क्रीम तैयार हो गई है। ये देखिए, हमारी लौकी गल गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर, बारीक कटे बादाम का, इलायची पाउडर, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। और इन्हें एकदम ड्राई होने तक पकाएंगे। देखिए, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। बॉक्स लिया है और इसे क्लीन रैप कर दिया है। हम ये बैटर डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे। इसमें मावे वाली क्रीम, इसे भी हम इसी तरीके से फैला देंगे। इसमें बाकी के बचे फिर हम ये फैला देंगे। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद मेरा केक सेट हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये प्लेट में निकल गया। अब इसे हम ऊपर हल्का सा डेकोरेट करेंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए हम थोड़े से मावे में 1 चम्मच दूध डाल के फेंट लेंगे। डेकोरेट के लिए हम इसे छोटी सी हलवे की एक बॉल बना लेंगे और मावे से बनाई हुई क्रीम को हम थोड़ा सा यूं लेंगे और अपने हाथों पे इस तरीके से ऐसे करके इनकी एक रोज का शेप बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसका एक फ्लावर शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम इन्हें एक फ्लावर का शेप दे दिया। सेंटर पे ऐसे रख। हमारा पूरा केक डेकोरेट हो गया। अब इसे हम बारीक कटे पिस्ते से हमारा केक बिल्कुल तैयार हो गया। हमारा केक तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।